हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। तो दोस्तों, 15 दिसंबर को जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो दोस्तों, पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 मिला है जी ग्रेटा थुनबर्ग को। फिर से रिपीट कर देते हैं, पहला मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? ग्रेटा थुनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? हाँ जी, प्रवासी रोजगार योजना ये लॉन्च की गई थी 20 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 17.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? फिर से रिपीट कर देते हैं, यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फिर से रिपीट कर देते हैं, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अब्दुल फजल ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस ऑफ डूइंग बिजनेस EODB 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शाहजहाँ का शासनकाल कब तक था? तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से पूछा गया था, वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था पीटर हैंडके को। दोस्तों, 2019 और 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनको मैंने एक ट्रिक से याद करवाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, उससे आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता किस देश से था? तो इब्न बतूता अरबी यात्री उत्तरी अफ्रीका के मैस्को प्रदेश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में बेस्ट ODI प्लेयर किसे मिला? तो ये मिला था भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन की PDF चाहते हो तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।